Hello friends, welcome to my channel Food Plaza with me Annu. तो आइए आज हम आपको सिखाते हैं मूंग का दाल का हलवा. ये देखिए, ये ठंड में बहुत ही फ़ायदेमंद करता है और इसको खाने से ना ठंड भी नहीं लगती है और ये 10 से 15 दिन तक चल भी जाता है. स्टोर करके आप इसको रख सकती हैं. ये देखिए, इसका बहुत ही टेस्टी होता है. इसमें टाइम बहुत लगता है, टाइम टेकिंग है ये, बट लेकिन फ़ायदा बहुत करता है. तो आइए चलिए सिखाते हैं इसको. ये मैंने अपनी मूंग की दाल को धुलकर साफ़ कर लिया है. इसको मैंने 6 से 7 घंटे भिगोई थी. ये अच्छे से फूल गई है और ये मैंने अपनी मेवा कट कर ली. इसमें बादाम है, गरी है और काजू, उनको बारीक कट कर लिया है. अब सबसे पहले हम अपने मूंग की दाल को पीस लेंगे. ये देखिए, मैंने अपनी दाल को पीस लिया ग्राइंडर की सहायता से. मैंने अपना पैन गैस पे ऑन कर दिया. तो आइए लेट्स मूव. ये मैंने पैन में अपना 1 चम्मच देसी घी डाला हुआ है. अब इसमें हम अपनी जो मेवा हमने काट के रखी हुई है उसको फ्राई कर लेंगे. लो फ्लेम पे हमको फ्राई करनी है. ज़्यादा नहीं करिएगा वरना टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा. जल जाती है ना मेवा बहुत जल्दी, इसलिए. ये हलवा ठंड में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है. बना के रख लीजिए, बच्चों को दीजिए, किसी को भी दीजिए, अपने घर के बूढ़े लोगों को, खुद खाइए. तो ठंड से बचाता भी बहुत है ये. ये देखिए, हमारी भुन गई. ज़्यादा नहीं भुनना है हमको, इसको हमको निकाल लेना है. इससे ना थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाता है. इसमें हमको 3 चम्मच घी डालना होगा. घी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें अपनी दाल पिसी हुई डाल देंगे. धीरे धीरे डालेंगे. अब इसको अच्छे से, ये याद रखिएगा कि लो फ्लेम पे ही हमको इसको भूनना है. इसको भूनने में बहुत टाइम लगता है लेकिन ये उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है. हमको इसको ऐसे ही धीमी आंच में चलाते रहना है. ध्यान रहे बराबर चलाते रहना है वरना ये नीचे लग जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी. ये आप ठंड में बना के रख लें, 10 से 15 दिन आराम से चल जाता है ये. इसको मॉर्निंग में आप बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी आप 1 कटोरी प्लस दूध दें तो शरीर हैवी बना रहता है और प्लस फ़ायदेमंद भी बहुत है. ठंड से बचाता है, काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं क्योंकि मूंग की दाल का बना हुआ है प्लस मेवा पड़ी हुई है. आप इसको ट्राई ज़रूर करें, सभी के लिए फायदेमंद है ये. इसकी पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ये घी छोड़ते रहेगा और अलग अलग हो जाएगा. जब बिल्कुल अलग अलग हो जाए तब तक हमको भूनना है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा. फिर ज़्यादा भूनने से ये भी फायदा होता है कि हमारी दाल में कच्चापन एक टेस्ट आता है वो नहीं आएगा और दाल का जो टेस्ट है वो बिल्कुल चला जाएगा. आप इसको ट्राई करें तो बताने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आप खुद ही, आपको अच्छा लगेगा. आप खुद एक बार ट्राई करें और फिर मेरे को बताएं जरूर कमेंट सेक्शन में कैसा बना. ये देखिए, हमारी दाल बिल्कुल अलग अलग हो गई है ना. लेकिन अभी हमको इसको और देर भूनना है. जितनी ज़्यादा भूनेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी. धीमी आंच में बस चलाते रहना है ताकि हमारी दाल नीचे लगे ना, उससे इसका टेस्ट देखिएगा कितना अच्छा आ जाएगा. लगेगा ही नहीं खाने में, जब आप इसको ट्राई करेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये दाल का बना हुआ है. और फ़ायदेमंद है, गर्म रहता है, अपने जो अपनी बॉडी है उसको भी गर्म रखती है.
ये देखिए भुन गया हमारा। देखिए अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सूजी की तरह बिल्कुल अलग अलग दाल हो गई। इसको हम लोग निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम चाशनी बना लेते हैं थोड़ी। ये आधा गिलास मैंने पानी डाला है, इसमें मैं एक बाउल चीनी ऐड करूंगी। बस अब इसको पकाना है हमको। चाशनी में बॉयल आ गया है, इसको थोड़ी देर तक और पकाना होगा। अभी हमें चाशनी बन गई हमारी, ये देखिए। अब इसमें हम अपना धीरे धीरे हलवा जो हमने भून के रखा हुआ वो ऐड कर देते हैं। चला देंगे इसको और इसमें अपनी मेवा जो काट के रखी वो भी ऐड कर देंगे। अब इसको हमको ड्राई होने तक धीमी आंच पे पकाना होगा। ये देखिए घी छोड़ने लगा है, हमको थोड़ी देर और भूनना है इसको। जितना ये टाइम लेता है उतना ही खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। टाइम जरूर ले लेता है ये देखिए तैयार हो गया हमारा हलवा। इसको ये सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हो गया ना तैयार। ये देखिए तैयार हो गया हमारा हलवा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।